So in this question, we want to integrate 5x upon x plus 1 into x square plus 9. तो अगर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो x की डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर की टर्म है वो है स्क्वायर और न्यूमिनेटर में है 5x. तो और अगर हम देखेंगे तो इसके दो फैक्टर्स भी हो रहे हैं, एक x plus 1 और एक x square plus 9. तो इस क्वेश्चन में ऐसा देख करके हमें पता चला कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना चाहिए. पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे, तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास में 5x अपॉन x plus 1 into x square plus 9. ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है. अब क्या होगा, इसका एक फैक्टर x plus 1 है, दूसरा है x plus x square plus 9. तो एक में अपॉन में क्या देगा, x plus 1, और दूसरा आ जाएगा प्लस में 1 अपॉन x square plus 9. अब हमारे पास में न्यूमरेटर में क्या होता है, जैसे जो भी डिनोमिनेटर में x की सबसे बड़ी टर्म होती है उससे एक पावर कम की टर्म आती है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो ऊपर क्या होगा, सिर्फ केवल कॉन्स्टेंट आएगा, तो आएगा a अपॉन x प्लस 1. अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 है तो यहाँ पे क्या आएगा, x की टर्म आएगी, तो आएगा बी एक्स प्लस सी. अब क्या करते हैं, एलसीएम लेके इसे कंपेयर करते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से इक्वेशन रहेगी a टाइम्स ऑफ एलसीएम ले रहे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 9, फिर आएगा प्लस में बी एक्स प्लस सी इंटू x प्लस 1. अब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद में, 5 ऑफ x के इक्वल. अच्छा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पर भी सेम आएगा x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 9. ओके, तो दोनों साइड हमारे पास में डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम होगी. तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू x प्लस 1. तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे राइट हैंड साइड में हमें x स्क्वायर की टर्म क्या मिलेगी, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेगी. तो यहां से मिलेगा मुझे ए एक्स स्क्वायर, तो आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए प्लस. यहां से मुझे मिलेगा बी एक्स इंटू एक्स करने पे एक्स स्क्वायर, तो आएगा प्लस बी. फिर एक्स की टर्म मुझे कहां से मिलेगी, जब मैं बी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और सी को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स की टर्म मिलेगी मुझे बी प्लस सी के इक्वल. तो बी एक्स इंटू 1 इज बी एक्स, सी इंटू एक्स इज सी एक्स. एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी, यहां से हमें मिलेगी 9 टाइम्स ऑफ ए, और यहां से मिलेगी हमें c into 1 is c. तो हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो टोटल टर्म्स कितनी हैं, 2 और 4 इसके मल्टीप्लिकेशन से, तो 6 की 6 टर्म्स हमने यहां लिख दी है. अब कंपेयर करते हैं, यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में, 0. इट मींस यहां पर भी x स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी a + b = 0. x का कोफिशिएंट है b + c, तो यहां पे क्या जाएगा b + c, और इस साइड में x का कोफिशिएंट है 5, तो आएगा b + c = 5. एंड ऐसे ही 9a plus c, ये है कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये हमारे पास में साइड है इक्वल टू 0, तो इधर भी हो जाएगी इक्वल टू 0. तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो c की वैल्यू क्या देगी, यहाँ से हमारे पास में c आ जाएगा माइनस 9 टाइम्स ऑफ a. यहाँ से क्या देगा हमारे पास में b क्या देगा, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इस वाली इक्वेशन से. अब इसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो b क्या है माइनस ऑफ a, और c है हमारे पास में माइनस 9 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 5. तो वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ 10 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 5. तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस 1 बाई 2, तो a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. तो b की वैल्यू क्या देगी, b हो जाएगा हमारे पास में 1 बाई 2 के इक्वल, एंड c हो जाएगा हमारे पास में 9 बाई 2 के इक्वल. तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अब अपने इंटीग्रेशन में वैल्यूज पुट करेंगे. तो इंटीग्रेशन क्या था हमारा, a अपॉन x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा था. तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाय 2, और अपॉन में क्या है हमारे पास में x प्लस 1, तो क्या माइनस 1 अपॉन 2 x प्लस 1. फिर है प्लस में, पूरी टर्म अगर हम देखेंगे तो बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स प्लस सी था, तो क्या देगा x बाय 2 प्लस 9 बाय 2, और अपॉन में था x स्क्वायर प्लस 9 डी, क्या है पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स. अब क्या करता हूँ मैं टर्म्स को ना अलग अलग स्प्लिट कर लेता हूँ. जैसे मैं x प्लस 1 को अलग ले लूंगा, x बाय 2 की टर्म को अलग लूंगा, 9 बाय 2 की टर्म को अलग ले लूंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी. माइनस 1 बाय 2 तो कांस्टेंट होता है ना, तो इसे हम बाहर ले लेंगे, तो जाएगा माइनस 1 बाय 2, और बचेगा क्या हमारे पास में dx अपॉन x प्लस 1. हमने कांस्टेंट टर्म को बाहर क्यों लिया, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर से लिया क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हम नहीं करते हैं. फिर आएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे dx मीन्स हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है. फिर आएगा प्लस में, अब क्या है x बाय 2 वाली टर्म को अलग सेपरेट करेंगे, तो क्या देगा यहाँ पर भी x बाय 2 है, तो मीन्स 1 बाय 2 हमारे पास में एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसे ऐसे रहने देंगे, और आ जाएगा हमारे पास में x इंटू डी एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है x स्क्वायर प्लस 9.
फिर लास्ट में क्या है हमारे पास में 9/2, एक कांस्टेंट हमें 9/2, और इंटीग्रेशन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 upon x square plus 9 times of dx। नाउ अब अगर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होती है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx जो होता है हमारे पास में वो क्या होता है ln of mod of x के इक्वल। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, ये जाएगी -1/2 dx upon x plus 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln of mod of x plus 1, ओके। फिर आएगा प्लस में, अब यहाँ पे जो दूसरी टर्म है ना हमारे पास में, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा अलग से दिखते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ हमें कैलकुलेट करना है x dx upon x square plus 9, तो x dx upon x square plus 9। तो अगर हम देखेंगे x square को अगर मैं u बोलूं तो x dx इसके डिफरेंशिएशन में आएगा, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे x square को बोल दूं इक्वल टू u, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x dx, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू du के, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x dx की वैल्यू हो जाएगी क्या du by 2, तो 1/2 में बाहर ले लेता हूँ, और अपॉन में आ जाएगा क्या x square की जगह क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे u आ जाएगा और आ जाएगा u plus 9, ठीक है u plus 9। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ln of mod of u plus 9, है ना, 1/2 ln of mod of u plus 9। बट हमें पता है u क्या है, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 9 क्या है पॉजिटिव, तो इन दोनों का क्या हो गया, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मोड नहीं लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज u प्लस 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 1/2 ऑलरेडी था, और 1/2 और आ गया नीचे से, तो जाएगी इंटू में 1/2 ln ऑफ u प्लस 9, u क्या है x स्क्वायर प्लस 9। अब ये क्या लिखा हुआ है, 1 upon x square plus a square, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 upon a tan inverse x by a, तो आएगा प्लस में 9/2 1 upon a, a is 3 यहाँ पे, क्योंकि 3 square लिखा हुआ है, tan inverse x by 3, तो tan inverse x by 3, ओके, प्लस में आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब वैल्यू क्या हो गया यहाँ से, क्योंकि हम पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आएगा -1/2 ln of mod of x plus 1, फिर प्लस में 1/4 ln of x square plus 9, फिर कैंसिल आउट कर देंगे तो अगर ऊपर 3 आ जाएगा हमारे पास में, बचा क्या 3/2, तो अगर प्लस में 3/2 tan इनवर्स x by 3, एंड प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन, ओके।